क्लास 10th चैप्टर 2nd एनसीईआरटी पेज नंबर 28 एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट वन क्वेश्चन है. द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवेन इन फिगर 2.10 बिलो. जैसे कि नीचे के आपको फिगर में दिया हुआ है. फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केसेस. यानी कि p ऑफ x के नंबर हमें फाइंड करने हैं. यानी कि इसमें क्या होगा कि जो लाइन को x लाइन को टच करता हो जितनी बार वो उसके जीरोज हो जाएंगे. जैसे कि आइए हम देखते हैं पहले फर्स्ट वन इज योर. अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में ये लाइन जो है y को टच x को टच नहीं कर रहा है, केवल y को टच कर रहा है. सो इसके जीरोज कितने होंगे? इसके जीरोज एक भी नहीं होंगे. क्या होंगे? नहीं होंगे. नो वन जीरोज. ओके. अगेन सेकेंड वन की बात हम करें, सेकेंड वन में देखो आप y को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है. कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 1 पॉइंट पे. तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे. कितने होंगे? 1. थर्ड की बात करें, थर्ड में देखिए x पे 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम्स. तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे? 3 होंगे. क्लियर. फोर्थ में देख लो आप x पे कितने टाइम टच कर रहा है? 1 2. सो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे. एंड फिफ्थ की बात हम करें तो फिफ्थ में कितने टाइम है? 1 2 3 एंड 4. सो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे. अगेन फिफ्थ वन आप देख लो. फिफ्थ वन तो हमने किया, सिक्स्थ वन हम देखेंगे. एक्स पे कितने टाइम्स टच कर रहा है ये? 1 2 3. सो इसके जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे. क्लियर है?